डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक नेम है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेंजेंट ऑफ सर्किल्स। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेंजेंट ऑफ सर्किल्स में स्पेशली जो आपको यहाँ ट्रेंजेंट ड्रा करना है, कैसे ट्रेंजेंट ड्रा करते हैं, इसके लिए हमें विशेष तौर पर सीखना है। यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, पहला एग्जाम्पल सजेस्ट किया कि ड्राई सर्किल ऑफ रेडियस 1 cm, एक सर्किल ड्रा करना है जिसका रेडियस 1 cm हो फ्रॉम ए पॉइंट पी, कहाँ से, पी पॉइंट से। फिर इसके बाद कह रहा है 2.2 cm अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, जो सेंटर ऑफ द सर्किल है उससे कितनी दूरी पर हो, 2.2 cm से। ड्रा टेंजेंट्स और उसके बाद टेंजेंट ड्रा कीजिए टू द सर्किल, इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रा कीजिए, इतना ही स्टेटमेंट है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लें, ड्राई सर्किल ऑफ रेडियस 1 cm, एक सर्किल 1 cm रेडियस की ड्रा करना है फ्रॉम ए पॉइंट पी, किसके लिए, पी पॉइंट के लिए। तो पी पॉइंट के लिए जो सर्किल ड्रा करनी है उसकी कंडीशंस क्या है, 2.2 cm अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, जो पहली वाली सर्किल है उससे पी पॉइंट हमारा कितना हो, 2.2 cm की डिस्टेंस पर हो। ड्रा टेंजेंट्स, टेंजेंट ड्रा कीजिए टू द सर्किल, सर्किल के लिए टेंजेंट ड्रा कीजिए। आल्सो जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना। अब हम यहाँ पर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ड्राई सर्किल ऑफ रेडियस 1 cm विद सेंटर O, तो पहले हमने फर्स्ट वाली सर्किल ड्रा किया जिसका सेंटर O है और रेडियस हमने यहाँ पर शो किया है 1 cm रेडियस। तो 1 cm रेडियस जो आप ले रहे हैं ये आपकी डिस्टेंस है, 1 cm ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, सेकेंड पॉइंट टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड इट, और इस सर्किल के बाहर हमें कौन सा पॉइंट ड्रा करना है, वो पी पॉइंट ड्रा करना है। पी पॉइंट ड्रा करने का मतलब सेंटर से उसने क्वेश्चन में ही दे रखा है 2.2 cm का डिस्टेंस होना चाहिए, तो 1 cm का रेडियस यहाँ पहले से है, तो शेष क्या बचता है, 2.2 से 1 माइनस कर दीजिए तो 1.1 cm बचता है। इसका मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्किल इस पॉइंट से पी की डिस्टेंस कितनी होगी, 1.1 cm। अगर दोनों डिस्टेंस को हम यहाँ से ऐड कर देते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.2 cm, जो हमारे क्वेश्चन की कंडीशंस को फुलफिल कर रही होगी। तो यहाँ पर टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड इट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ इज 2.2 cm, जो इसका सेंटर ओ है वहां से पी की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1.1 + 1, दैट इज 2.2 cm। सेम कंडीशंस में अब हम थर्ड स्टेप्स क्या ले रहे हैं, टेक ओ एंड पी एज सेंटर, जिसमें ओ और पी को एक सेंटर के रूप में ले रहे हैं। तो ओ एंड पी को जब सेंटर के रूप में ले रहे हैं तो ओ तो ऑलरेडी पहले से सेंटर है और पी पॉइंट जो आउटसाइड पॉइंट लिए हैं जहाँ से हमें टेंजेंट ड्रा करना है, तो ये क्या कर रहे हैं, ओ एंड पी एज ए सेंटर, मतलब कि एक तो वो ऑलरेडी पहले सेंटर था फर्स्ट सर्किल का सेंटर, सेकेंड सर्किल को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पी को एज ए सेंटर ले रहे हैं एंड ड्रा आर्क्स ऑफ रेडियस, और उस पर हम क्या करते हैं कि इस सेंटर से जो दूसरी सर्किल ड्रा करते हैं उसके लिए कंडीशंस क्या दे रहे हैं, एंड ड्रा आर्क्स ऑफ रेडियस, और उस रेडियस के आर्क्स को ड्रा करते हैं मोर देन हाफ ऑफ ओपी, जो मोर देन हाफ ऑफ ओपी है, कहने का मतलब ओपी का डिस्टेंस आधे से अधिक दूरी के लिए, जिस तरह से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये जो आर एस पॉइंट है ये इसी पी पॉइंट को एक बार और दूसरी बार ओ पॉइंट को सर्किल लेकर के इसमें टिक कर लेते हैं, जिसके द्वारा परपेंडिकुलर ड्राप हो जाता है और इसके द्वारा एक न्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है, यही हमारा टेंजेंट लाइन है। तो यहाँ से क्या कहना चाह रहे हैं कि मीन्स ड्रा आर्क ऑफ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ओपी, ओपी के आधे से अधिक दूरी को लेकर के आपको परपेंडिकुलर ड्राप करना है ऑन बोथ साइड्स ऑफ ओपी, बोथ साइड्स ऑफ ओपी मतलब एक बार पी को सेंटर लेकर के अप एंड डाउन आर्क ले लेते हैं, फिर ओ पॉइंट को सेंटर लेकर के फिर वही इंटरसेप्ट करा देते हैं आपको। सेम कंडीशन में व्हिच इंटरसेप्ट ईच अदर एट आर एंड एस, जो प्रत्येक को आर और एस पॉइंट पर इंटरसेप्ट करते हैं, ज्वाइन आर एस व्हिच बाइसेक्ट्स ओपी एट एम, जो ओपी को क्या करता है एम पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ का पॉइंट जो होगा वो एम पॉइंट हो जाएगा। कहने का मतलब किस तरह से
ओपी को जो है एम पॉइंट पर वो बाइसेक्ट करेगा। यहाँ से सामान्य तौर पर क्या करते हैं, यहाँ हम इसको एम के तौर पर पॉइंट शो कर देते हैं। तो यहाँ एम के तौर पर जो पॉइंट शो करते हैं तो ये एक्चुअल वैल्यू इसकी आ जाती है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया कि एम पॉइंट जो होगा ओपी पॉइंट पर सामान्य तौर पर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो वही चीज ये कह रहा है ज्वाइन आर एस, आर एस को हम ज्वाइन करते हैं जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओ और पी को जब सेंटर मान के चल रहे थे, तो ऐसे कंडीशंस में आर को एस से ज्वाइन करा देते हैं जो इस पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का काम कर रहा है, ज्वाइन आर एस। अब हम क्या करते हैं, आर एस को ज्वाइन करते हैं, व्हिच बाइसेक्ट्स ओपी एट एम, जो ओपी को एम पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है, एम पॉइंट यहाँ दिख रहा है फिगर में। तो नाउ वी कैन से एम पी इज इक्वल टू ओ पी, एम पी इज इक्वल टू एम ओ, कहने का मतलब कि एम से पी की डिस्टेंस जो होगी वही डिस्टेंस एम से ओ की होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको क्या किया है, ओपी लाइन को बाइसेक्ट किया है, ठीक है। ऑन टेकिंग सेंटर, तो कहने का मीन से है कि नेक्स्ट पॉइंट पर जो है पी बाइसेक्ट पॉइंट हो गया, तो सेम कंडीशंस में ऑन टेकिंग एम एज सेंटर, अब हम क्या करते हैं एम को एक सेंटर के रूप में मान लेते हैं, तो एम एज ए सेंटर एंड एम ओ एज रेडियस, और उसके बाद एम ओ को रेडियस मान लेते हैं। तो एम ओ हमारा मिड पॉइंट था, इसके नाते रेडियस मानने पर एक नई सर्किल हम ड्रॉप कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या कहना चाह रहे हैं, ऑन टेकिंग एम एज सेंटर एंड एम ओ एज रेडियस, और यहाँ से एम ओ एज रेडियस काम करता है, ड्राई डॉटेड सर्किल व्हिच इंटरसेक्ट्स गिवन सर्किल एट क्यू एंड क्यू डैश, जो यहाँ पर डॉटेड सर्किल कर देते हैं, और डॉटेड सर्किल मतलब कि सर्किल को डॉट डॉट पॉइंट करके इसको और क्लियर करना था, संयोग से स्केच पेन बहुत साफ नहीं चल रही थी, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर डॉट डॉट लाइन कम दिखाई दे रहा है, तो ये डार्क लाइन बन गया है। लेकिन ध्यान ये देना है कि यम हमारा सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस का मतलब कि 2.2 का हाफ क्या हो जाएगा 1.1, तो 1.1 का जो डिस्टेंस हमारा होगा वो उसी डिस्टेंस का यहाँ पर एक नई सर्किल डॉटेड लाइन के रूप में ड्रा कर देते हैं, जो इस पहले वाली सर्किल को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, क्यू एंड क्यू डैश पर। तो वही चीज यहाँ पर एक आना चाह रहे हैं कि आई एम टेकिंग एम एज सेंटर एंड एम ओ एज रेडियस, और एम ओ रेडियस का काम कर रहा है, ड्राई डॉटेड सर्किल, डॉटेड सर्किल का मतलब कि सर्किल के अंदर का भाग डॉटेड बनाया जाए, व्हिच इंटरसेक्ट्स गिवन सर्किल, जो दिए गए सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा एट क्यू एंड क्यू डैश, और पॉइंट क्या होगा क्यू एंड क्यू डैश, तो एक पॉइंट क्यू ये है दूसरा क्यू डैश, इस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ज्वाइन पी क्यू एंड पी क्यू डैश। अब हम क्या करते हैं पी से क्यू को ज्वाइन करा देते हैं और पी क्यू डैश को ज्वाइन करा देते हैं, दस वी गेट द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू द गिवन सर्किल। तो इस तरह से जो पी पॉइंट से टेंजेंट डालना था वो टेंजेंट हमारा पड़ गया किस रूप में, पी क्यू एंड पी क्यू डैश के रूप में, और इसका जो एंगल बाइसेक्ट्स हम चेक करेंगे तो ये आपका 90 डिग्री होगा। सेम कंडीशंस में यहाँ पर भी ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि टेंजेंट इंक्लाइंड द एंगल एज ए राइट एंगल होता है, तो राइट एंगल होने के कारण इसका यहाँ सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन हमने बना दिया। तो सामान्य तौर पर ये कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, पहले 1 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्किल ड्रा करते हैं, 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रा करने के बाद क्वेश्चन हमारा क्या हिंट करता है कि नहीं 2.2 सेंटीमीटर सेंटर से अपार्ट दूसरी सर्किल बननी है, तो यहाँ से क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर पहले ले ही चुके हैं, फिर इसके बाद शेष डिस्टेंस हमारी 1.1 की यहाँ पर नोट आउट कर लेते हैं। तो नोट आउट कर देने का मतलब कि सामान्य तौर पर ये 1.1 cm जो दिया गया है ये न्यू सर्किल को बनाने की बात की गई, तो न्यू सर्किल के बनाने का मतलब कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एम है ये हमारा मिड सेंटर है, यहाँ से ओ की डिस्टेंस या एम से पी की डिस्टेंस दोनों 1.1 cm पर होगी,
तो ये एक्चुअली जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है वो इसके नजदीक तो है, लेकिन 100% ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, उसके नजदीक है, क्योंकि 0.1 बहुत माइन्यूट डिस्टेंस होती है। तो सेम सिचुएशन में ये डिस्टेंस हमारी ओ से पी की डिस्टेंस, जो पी है जो आउटसाइड पॉइंट था, 2.2 सेंटीमीटर का हमने टोटल रेडियस ले रखा है। तो ऐसी कंडीशंस में फिर अगला क्या कर रहे हैं, इसको ओ और पी को बार बार सेंटर मान करके आर और एस पॉइंट को इंटरसेप्ट कर लेते हैं, जो आर्क के द्वारा एक आर्क दूसरे आर्क को इंटरसेप्ट करता है, आर को एस से जोड़ देते हैं। तो आर से आर को एस से जोड़ने का मतलब कि ये जो पहली सर्किल का सर्कमफेरेंस है इसके बगल से ये बाइसेक्टर जाता है, लेकिन 100% पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का काम नहीं करता, ये केवल यही करता है कि ओपी का बाइसेक्टर होता है, मतलब ओपी को आधे पर डिवाइड कर रहा होता है। तो सेम कंडीशंस में एमपी इज इक्वल टू एमओ बन जाता है, कि इधर की डिस्टेंस जिस तरह से 1.1 cm है, वही अगर इस एम पॉइंट से ओ की डिस्टेंस देखी जाए तो यहाँ एमओ इज इक्वल टू क्या दिया है, ओपी। तो ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे हमारी 1.1 cm हो जाएंगे। सेम कंडीशंस में ऑन टेकिंग एम एज सेंटर, अब एम को एज ए सेंटर मान लेते हैं एंड एमओ एज रेडियस, और एम से ओ को रेडियस मानते हुए डॉटेड लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो डॉटेड लाइन ड्रा कर लेने का मतलब कि सर्किल में थोड़ा सा चेंजिंग आ रही है, जो पॉइंट ओ से होकर के जाएगी, और इस तरह से आउटसाइडर पॉइंट पी से क्यू और पी से क्यू डैश रिक्वायर्ड टेंजेंट के रूप में हम ऑब्टेन कर लेते हैं। अब थोड़ा सा इसके जस्टिफिकेशन पर आइए कि जस्टिफाई हम कहाँ तक हो रहे हैं, हम अपने फिगर्स से जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्या वो फिगर हमारा 100% एक्यूरेसी दे रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ज्वाइन ओ क्यू, क्या करते हैं हम ज्वाइन ओ क्यू, ओ क्यू का मतलब ओ से क्यू को ज्वाइन कीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होने के कारण, देन एंगल पी क्यू ओ, अब एंगल हमारा कौन सा है पी क्यू ओ, माने ये वाली एंगल जो ये 90 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं, इज एन एंगल इन द सेमी सर्किल ऑफ द डॉटेड सर्किल। तो ये सेमी सर्किल ऑफ द डॉटेड सर्किल का होगा, कहने का मतलब पहली सर्किल का ये इतना पार्ट्स सेमी सर्किल है, और इधर जो ये डॉटेड पॉइंट है इन दोनों के बीच में एक एंगल बना रहा है, एंड देयरफॉर एंगल पी क्यू ओ, और इस तरह से एंगल पी क्यू ओ हमारा जो है वो 90 डिग्री है, जिसका ये सिंबल आपको बताया गया है, ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस शोज दैट ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। इससे पता चलता है कि ओ क्यू क्या है, पी क्यू पर एज ए परपेंडिकुलर ड्राफ्ट किया गया है, और परपेंडिकुलर होने के कारण सिंस ओ क्यू इज द रेडियस ऑफ गिवेन सर्किल, और ओ क्यू हमारा क्या है, जिस तरह से ओ एम हमारा एज ए रेडियस काम कर रहा है वही ओ क्यू की भी सिचुएशन है। तो ओ एम और ओ क्यू दोनों रेडियस ऑफ द गिवेन सर्किल हो जाएंगे। सेम कंडीशंस में सो पी क्यू हैज टू बी ए टेंजेंट ऑफ गिवेन सर्किल, तो इस तरह से पी क्यू क्या हो जाएगा, दिए गए सर्किल का टेंजेंट हो जाएगा। सिमिलरली पी क्यू डैश इज आल्सो ए टेंजेंट टू द गिवन सर्किल। इस तरह से इसका जस्टिफिकेशन भी हो गया कि पहले हम इसको क्या करते हैं, इसका एंगल वेरीफाई कर देते हैं, और वही एंगल वेरिफिकेशन इसका लास्ट वेरिफिकेशन हो जाता है, और ये कहते हुए कि टेंजेंट कंटेन्स राइट एंगल, टेंजेंट क्या करता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर राइट एंगल क्रिएट करता है। तो सेम कंडीशंस में ये प्रूव कर देते हैं, और ये रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ द सर्किल होता है। इस रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ सर्किल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और टेंजेंट ड्रा करने के साथ साथ इसकी जरूरत पड़ने पर कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे संबंधित क्वेश्चन अगला जो नेक्स्ट वीडियो में होगा उसमें हम कैलकुलेशन स्टेप्स भी बताएंगे, और इस पर विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हम कंस्ट्रक्शन को और अच्छी तरह से सीख लें। तो फिर अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू।